हे गाइस, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। न्यू ईयर में काफी सारे देश में क्रैकर्स को जो है बर्न किया जाता है, फटाके फोड़ते हैं लोग, लेकिन वहीं इसराइल ने जो है हाल ही में बॉम्बिंग करी है गाजा के ऊपर, और इससे गाजा को काफी हद तक डैमेज भी हुआ है, लेकिन अभी तक कैजुअलिटी नहीं बताई गई कि कितनी कैजुअलिटी जो है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये सब हुआ कैसे है? देखो, पिछले अगर आप कई सालों में देखोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए भी है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक करी है गाजा के ऊपर। लेकिन इन सब के पीछे क्वेश्चन यह आता है कि ये सब होता क्यों है? इसराइल क्यों हमास पे हमला करता है, या हमास क्यों जो है रॉकेट फायर कर देता है इसराइल की तरफ? तो बिल्कुल इस वीडियो में इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसराइल और गाजा के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब इसराइल और पैलेस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। इसके अलावा जेरूसलेम का क्या कॉन्फ्लिक्ट है? जेरूसलेम में भी आपको काफी सारे अटैक देखने को मिलेंगे, तो वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और ये आर्टिकल भी है, इसराइल हिट्स हमास पोजीशन इन गाजा आफ्टर रॉकेट अटैक। तो हाल ही में गाजा ने पहले रॉकेट अटैक किया इसराइल के ऊपर, ऐसा इसराइल का कहना है। उसके बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी गाजा के ऊपर और बहुत ही हैवीली डैमेज किया है गाजा पे इसराइल ने। तो देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअल में इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज के थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज समझ लो कि इसराइल पहले कोई देश नहीं था। आज जिसको हम इसराइल बोलते हैं वो एक जमाने में पैलेस्टीन हुआ करता था। पूरा एरिया पैलेस्टीन के कंट्रोल में था, मतलब पैलेस्टीन जो है इसको बोला जाता था। एक्चुअली में था तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में, लेकिन इसकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आज से हम 1000 साल पहले की बात करें तो जूस के ऊपर जो है बहुत सारे अत्याचार शुरू से ही होते आए हैं। उसके बाद जब हिटलर आता है तब भी हमको बहुत सारे जूस का एसेसिनेशन देखने को मिलता है। 1800 AD में बहुत सारे जो जूस पीपल्स हैं वो यहाँ पे ये सोच लेते हैं कि हमको जो है अपना देश यहाँ पे बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं पाता। 1915 में होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो जाती है। जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है तो एक तरफ ब्रिटेन होता है और एक तरफ जो है ऑटोमन एम्पायर होता है, ठीक है। ब्रिटेन यहाँ पे प्रॉमिस करता है जूस को कि आप हमारा सपोर्ट करो, हम जो है आपको एक सेपरेट कंट्री यहाँ पे दे देंगे। लेकिन ब्रिटेन क्या करता है, जो अरब नेशंस हैं उनके साथ भी यहाँ पे ट्रीटी साइन कर लेता है। और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हो जाता है तो ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन जीत जाता है वर्ल्ड वॉर वन। अब पैलेस्टीन को ब्रिटेन कंट्रोल करने लगता है, मतलब ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करने लगते हैं, और पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक तरफ ब्रिटेन रूल करता है और एक तरफ सऊदी जो है रूल करने लगता है। लेकिन अभी भी जूस जो है उनको बोला जाता है कि आपको स्टेट देंगे, लेकिन उनको अभी भी यहाँ पे कोई स्टेट नहीं मिलता। अब कहानी शुरू हो जाती है जर्मनी में। अब जर्मनी में होता क्या है, 1940 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पे शुरू होता है, तब उस समय जर्मनी में नाजिज्म आ जाता है, मतलब हिटलर आ जाता है, और हिटलर बहुत ही बड़े लेवल पे जेनोसाइड करता है जूस का। अब जूस पीपल जो है माइग्रेट होने लगते हैं पूरी दुनिया भर में, वो कहीं अरब नेशंस में भागते हैं, कहीं पैलेस्टीन भागते हैं। तो पैलेस्टीन में जो जूस लोग हैं उनको ब्रिटेन एंट्री तो देता है, लेकिन उसके बाद एंट्री रोक देता है। अंत में यह होता है जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो जाता है तो ब्रिटेन पैलेस्टीन से निकल जाता है कि अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, आप एक काम करो, आप आधी लैंड पैलेस्टीन लोग ले लो और आधी लैंड जो है यहाँ पे जूस लोग ले लो, तो आप लोग अपना अपना हिस्सा ले लो और मैं जो है यहाँ से जा रहा हूँ। तो सिंपली ब्रिटेन ये बोल के निकल जाता है और ब्रिटेन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है यूनाइटेड नेशंस को। तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पैलेस्तीन का कुछ एरिया जूस लोग को दिया जाएगा, इसके अलावा बाकी जो एरिया है वो पैलेस्तीन लोगों को जो है यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब पैलेस्तीन लोग को दिया जाएगा, लेकिन जो जेरूसलेम है वो यहाँ पे इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगी। अब इंटरनेशनल कंट्रोल का मतलब, देखो जेरूसलेम जो है क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत ही होली प्लेस है, मुस्लिम्स के लिए भी बहुत होली प्लेस है, इसके अलावा जूस लोगों के लिए भी बहुत ही होली प्लेस है, इसलिए इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। और आज के समय अगर आप देखोगे तो जो जेरूसलेम है वो इंटरनेशनल कंट्रोल में है। लेकिन होता क्या है, जब 1947 में यूनाइटेड नेशंस का पार्टीशन प्लान आता है तब बहुत सारे लोग इस प्लान से नाखुश भी होते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसे कैसे कर सकता है, यहाँ पे जूस लोग को ज्यादा लैंड दे रहा है और हमको यहाँ पे कम एरिया दे रहा है। और इस पार्टीशन प्लान के बाद फाइनली 1948 में इसराइल यहाँ पे बन जाता है, लेकिन अभी भी इसराइल जो अरब कंट्री है उससे कंटिन्यूसली यहाँ पे लड़ता रहता है। तो पहली अरब इसराइल वॉर हो जाती है 1948 में।
उसके बाद 1964 में यहाँ पे होता क्या है, पीएलओ बन जाता है, मतलब पैलेस्तीन लोगों के पास तो रहने की जगह ही नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट इसराइल वॉर होता है तो पैलेस्तीन के जो एरियाज हैं उनको इसराइल कब्जा लेता है। उसके बाद पीएलओ को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, पैलेस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये यहाँ पे डिमांड करते कि भैया पैलेस्तीन जो है उसको एक सेपरेट कंट्री बनाओ। लेकिन वही 1967 में सेकंड अरब इसराइल वॉर हो जाती है, इसमें भी इसराइल जो है काफी हिस्सों को कब्जा लेता है, तो इजिप्ट के एरिया को भी जो है यहाँ पे कब्जा लेता है इसराइल। इसके अलावा ये जो वेस्ट बैंक जेरूसलम है ना, इन सबको यहाँ पे कब्जा लेता है, गाजा पट्टी को भी यहाँ पे कब्जा लेता है। तो सिंपली होता क्या कि अब पैलेस्तीन जो है इसराइल के अंडर में आ जाता है, इजिप्ट और सीरिया के भी जो लैंड है उसको इसराइल कब्जा चुका है। लेकिन अब होता यह है कि 3 लाख जो पैलेस्तीन लोग हैं वो अपने घर से बेघर हो जाते हैं, और अब धीरे धीरे जो यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्तीन को यहाँ पे जगह दी हुई थी उसमें धीरे धीरे जो इजरायली लोग हैं वो यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, तो वो वेस्ट बैंक की तरफ जो है यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में एक बहुत अच्छी बात ये होती कि 1992 में इसराइल में पीएम बन जाते हैं यासिर रबीन, जो काफी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे, और ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि पैलेस्तीन को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिक्लेयर करना चाहिए, पैलेस्तीन लोगों को अपना एक देश यहाँ पे दे देना चाहिए। और फाइनली 1993 में ओस्लो अकॉर्ड यहाँ पे साइन किया जाता है। इसके बाद 1994 में पैलेस्तीन की गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है, और इस अकॉर्ड में ये कहा जाता है कि जो वेस्ट बैंक का एरिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 18% जो एरिया है वो पैलेस्तीन के कंट्रोल में रहेगा, इसके अलावा जो 22% का एरिया है वो इसराइल और पैलेस्तीन दोनों कंट्रोल करेंगे, इसके अलावा जो 60% का एरिया है वो इसराइल जो है यहाँ पे कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके का अकॉर्ड जो है यहाँ पे साइन हो जाता है। लेकिन होता यह है कि 1992 में जिस प्रधानमंत्री ने इस ओस्लो अकॉर्ड को साइन किया था उसका एसिनेशन हो जाता है 1995 में, और इसके बाद जूस लोगों के मन में नफरत भर जाती है कि पैलेस्तीन लोगों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारा है, तो बिल्कुल जितना हिस्सा हमने इनको दिया है वो सब इसराइल में ही आना चाहिए, और वेस्ट बैंक को भी हम इसराइल के अंडर में लाके रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में 1987 में होता यह है कि हमास, एक पैलेस्तीनियन जो सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो जूस लोग हैं उनसे भी नफरत करते थे, इसके अलावा जो पैलेस्तीन लोग हैं उनसे भी ये काफी हद तक नाखुश थे, तो ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं और ये मेनली जो गाजा के एरिया है उसको गवर्न करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपली अब कहानी ये हो जाती है कि गाजा का जो एरिया है उसमें हमास है, इसके अलावा जो वेस्ट बैंक का एरिया है वहां पे इजरायली लोग हैं, जेरूसलेम को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिला हुआ है, तो जेरूसलेम को इंटरनेशनल यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, और अब कहानी ये हो गई है कि गाजा पट्टी पे हमास है, तो हमास कंटिन्यूसली जो है इसराइल की तरफ यहाँ पे रॉकेट दागता है, और सिर्फ यही नहीं इसराइल भी बहुत ही हैवीली बॉम्बिंग करता है गाजा को। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हुआ ये है कि हमास यहाँ पे ये कहता है कि हम तो अपना रॉकेट टेस्ट कर रहे थे, हम तो सिंपली अपना रॉकेट टेस्ट यहाँ पे कर रहे थे मेडिटेरियन सी की तरफ, लेकिन इसराइल ने जो है हम पे बमबारी शुरू कर दी। और देखो ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हमास ने जो अपने रॉकेट टेस्ट किए हैं वो इसराइल से काफी दूर यहाँ कहीं पे गिरे हैं, लेकिन इसराइल ने कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे बॉम्बिंग शुरू कर दी। और आज के समय बहुत सारे देश आलोचना कर रहे हैं इसराइल की कि इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसराइल ने बहुत ही हैवीली बॉम्बिंग करी है हमास के ऊपर। और जैसे ही हमास ने रॉकेट लॉन्च किया मेडिटेरियन सी की तरफ, इसराइल के फाइटर जेट स्टैंड बाय पे थे और उन्होंने बहुत ही हैवीली बॉम्बिंग कर दी है गाजा के ऊपर। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप पास हिस्ट्री में भी देखोगे तो करीब 11 दिन का वॉर हमको देखने को मिला था और बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ पे शांत हुआ था। लेकिन अब पता नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट कब जाके रुकेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।